राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते पूरे प्रदेश में कांग्रेस भारत जोड़ो उप यात्रा निकाल रही है। सिंगरौली से 3 नवंबर को चली यात्रा 8 नवंबर को रीवा की सीमा में प्रवेश करेगी, 10 नवंबर को सतना की सीमा में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते पूरे प्रदेश में कांग्रेस भारत जोड़ो उप यात्रा निकाल रही है, जिसके चलते सिंगरौली से 3 नवंबर को चली यात्रा 8 नवंबर को रीवा की सीमा बदवार में प्रवेश करेगी, 10 नवंबर को यह यात्रा सतना की सीमा में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में 16 दिन रहेंगे। उनकी भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब करने के लिए कांग्रेस कमेटी अभी से जुट गई है, जिसके चलते वह पूरे प्रदेश में उप यात्रा निकाल रही है। अजय सिंह राहुल और कमलेश्वर पटेल ने सिंगरौली में 3 नवंबर को इस रैली को आगे के लिए रवाना किया था। यह रैली सिंगरौली से चलकर सीधी होते हुए 8 नवंबर को बदवार रीवा की सीमा पर पहुंचेगी। यह यात्रा 3 नवंबर को सीधी से रवाना हुई थी। रीवा में मोहनिया टनल के पास रीवा के कांग्रेसी यात्रा का स्वागत करेंगे। इस बात की जानकारी कांग्रेसियों ने रीवा के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करके दी। भारत जोड़ो यात्रा की जिला समन्वयक कविता पांडे, महापौर अजय मिश्रा बाबा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा का साफ तौर से कहना था, हम आम लोगों को जोड़ते हुए वर्तमान की मूलभूत समस्याओं की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे अन्य मुद्दों की तरफ ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के नाम से देश में जो नफरत फैला रही है उसको रोकना चाहते हैं। कांग्रेसियों की यह यात्रा ध्वज वंदना, प्रभात फेरी, गांधी चौपाल करती हुई लगातार आगे बढ़ेगी। 10 नवंबर को रीवा सतना की सीमा में सतना की टीम को भारतीय संविधान पर राष्ट्रध्वज समर्पित करेगी। आगे इसी तरीके से जिले दर जिले यह काफिला बढ़ता चला जाएगा और अंत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जाकर मिल जाएगा। यह रैली शहर के अंदर चिरहुला अस्पताल चौराहा जय स्तंभ होते हुए आगे का सफर तय करेगी। पत्रकार वार्ता करके क्या जानकारी दी गई हम आपको सुनाते हैं। ये राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा की उप यात्रा 8 तारीख को बुधवार से रीवा में प्रवेश करेगी, उस उप यात्रा के माध्यम से हम रीवा नगर और रीवा शहर के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। ये संदेश पहुंचाएंगे किसानों तक, दुकानदारों तक, मजदूरों तक, बेरोजगार युवाओं तक कि आप हमारे साथ जुड़ें और ये जो बेरोजगारी की लड़ाई है, महंगाई की लड़ाई है, इस लड़ाई में हम आपके साथ हमेशा थे और कांग्रेस पार्टी हमेशा रही। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने हमेशा किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, बेरोजगारों की बात की। 15 महीने के सरकार में उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया, स्वरोजगार योजना के तहत 3 महीने का युवाओं को रोजगार दिया गया, गरीबी रेखा, निराश्रित पेंशन, वृद्धा पेंशन 300 की जगह 600 किया गया। तो जो भी योजनाएं आज तक इस देश में लाभान्वित हुए हैं जो लोग, वो सिर्फ कांग्रेस की दी हुई है। ये संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है और इस यात्रा के माध्यम से हम जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको जोड़ के उनको मुख्य धारा में लाना है कि भाईचारे की भावना वाली कोई पार्टी अगर है तो कांग्रेस पार्टी है। बाकी तो जितनी पार्टियां हैं देश के अंदर, अब वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने नफरत के सिवाय कुछ नहीं दिया। 3700 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हुए आप लोगों ने, महात्मा गांधी के बाद अगर हमने देखा होगा तो ये पहला ऐसा ही यात्रा है और पहले ऐसे नेता हैं जो इस देश में पैदल 3700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं जो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से गुजरेगी। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत जो है वो सांस्कृतिक विविधता का देश है। हमारे यहाँ हर 100 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है।
पर इसके बावजूद यह देश एक सूत्र में बंधा हुआ है और अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों का ये देश एक इकाई के रूप में पूरे विश्व में खड़ा हुआ है और विश्व की दौड़ती हुई सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में से एक माना जाता है। ऐसा देश ये भी कभी कभी छोटे छोटे राजा रजवाड़ाओं के तहत ये छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। महात्मा गांधी ने इस देश को विभिन्न यात्राओं के जरिए एक किया। हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, फिर भी उनमें नेम प्रेम है, व्यवहार है, आपस में भाईचारा है। पर विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में एक नफरत का वातावरण तैयार किया जा रहा है, व्यक्ति व्यक्ति के खिलाफ होता जा रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वैमनस्यता पैदा की जा रही है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं आप देखते हैं, छोटी छोटी आप देखिए सोशल मीडिया में, आज की तारीख में आप देखिए सरकारें खुद अलर्ट हो रही हैं, ये कह रही हैं कि ऐसे संदेश ना प्रसारित करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही मैं एक बयान देख रहा था कि कह रहे थे कि एक देश में ये जो सोशल मीडिया के जरिए जो जहर फैलाया जा रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए। तो जहर की शुरुआत जिन लोगों ने की, आज उनको देश के सामने नंगा करने की यह यात्रा है। समझना होगा लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ में, आपको भी समझना होगा कि जिसके दादी प्रधानमंत्री हो, जिसके पिता प्रधानमंत्री हो, वह आज उस महात्मा गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पद चिन्हों में चलकर देश को जोड़ने की बात कर रहा है, जो पीछे की पंक्ति में खड़ा गरीब है, आम आदमी है, उसे आगे लाने की बात कर रहा है। तो मैं आप सबसे चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इस लोकतंत्र के चौथे प्रहरियों के ऊपर मालिकों का बहुत दबाव है, उस मालिकों के दबाव में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी बात चाहता भी है तो नहीं खुल के कह पा रहा है। तो मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि इस भारत जोड़ो यात्रा में आप सब शामिल हों और रीवा जिले में जितनी भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आप सबके साथियों के साथ पहुँच जाएगा तो एक नई दिशा, एक नया रास्ता निकलेगा।